लेटेस्ट अपडेट्स के लिए दबाना न भूलें बेल आइकन और सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल। नमस्कार, मैं हूं शशि रंजन और आपका बहुत बहुत स्वागत है जनता टीवी में, और आप देख रहे हैं ये खास कार्यक्रम पॉलिटिकल थर्मामीटर। जी हाँ, थर्मामीटर हम लगाते हैं, टेम्परेचर आप नोट करते हैं और देखिए कहाँ कितनी गर्मी है। आज जिनको हम थर्मामीटर लगाएंगे, बड़े चौधरी हैं हरियाणा के और आईएएस बेटे को अपनी जगह चुनाव में उतार दिया है। फिलहाल राज्यसभा में सदस्य हैं और केंद्र में मंत्री हैं। ये पता चलेगा 23 तारीख को कि आगे मंत्री रहते हैं कि नहीं रहते हैं, 23 मई जब काउंटिंग होगी। हालांकि बेटे ने वीआरएस के लिए अप्लाई किया, वीआरएस मिल गया और शर्त के मुताबिक पिताजी ने भी वीआरएस के लिए अर्जी दे दी। हालांकि जो अपोजिशन के लोग हैं वो कहते हैं कि चौधरी साहब को अगर इस्तीफ़ा देना था तो राज्यसभा से इस्तीफ़ा देना चाहिए था और उसके लिए सभापति को चिट्ठी भेजनी चाहिए थी। लेकिन बहरहाल ये विषय है जो कि पार्टीज एक दूसरे पर आरोप लगाती हैं, लेकिन वादे के मुताबिक चौधरी साहब ने मोदी जी को और शाह साहब को, इन दोनों को इस्तीफे की अर्जी भेज दी कि बाप और बेटा दोनों इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में ना रहें। इसलिए बेटे को टिकट मिला है तो मैं अलविदा कहता हूँ। हालांकि पॉलिटिक्स में, एक्टिव पॉलिटिक्स में रहेंगे, चुनाव नहीं लड़ेंगे। पिछली बार जब मैं उनसे बात कर रहा था तो मैं कह रहा था उन्हें कि मनोहर लाल खट्टर साहब हैं, अब वो चैन की सांस ले पाएंगे। उन्होंने कहा ऐसा नहीं है, दिल में अब भी मुख्यमंत्री की घंटी बज रही है और अगर पार्टी ने फैसला लिया कि मुख्यमंत्री बनाएंगे तो उसके बाद चुनाव लड़ लेंगे। बहुत ही दमदार और शानदार नेता रहे हैं, अपने शर्तों पे ज़िंदगी जीते हैं और पॉलिटिक्स करते हैं। कभी भूपेंद्र सिंह हुड्डा वाली पार्टी यानी कांग्रेस में थे, लेकिन पिछले चुनाव में इस्तीफा दे करके बीजेपी में शामिल हो गए और बीजेपी ने शर्त के मुताबिक इन्हें केंद्र में मंत्री बनाया। और चौधरी साहब की ये साथ जुड़ा रहा है कि जब यूपीए की सरकार थी तो मंत्री बनते बनते रह जाते थे और भूपेंद्र सिंह हुड्डा से ऐसा टकराए कि फूल का कमल, मतलब कमल का फूल थामना पड़ा। आइए ज़रा थर्मामीटर लगाते हैं, देखते हैं गर्मी कितनी है और वो गर्मी बेटे के लिए कितनी सार्थक साबित होती है। आइए, नमस्कार चौधरी साहब। नमस्कार। आज सर वो हमारा थर्मामीटर है, हाथ कुछ गर्म लग रहा है आज आपका, बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज, मतलब बहुत ज़्यादा आज गर्मी फिर इलेक्शन की गर्मी, वही इलेक्शन वाली गर्मी है सर, ये वाली गर्मी, ऊपर वाली गर्मी, ऊपर वाले की भी गर्मी है। आइए, और आपको पता है जी, हिसार सर्दियों में सबसे ठंडा और गर्मियों में सबसे ज्यादा गर्म, गर्म ये तो हम लोगों के यहाँ मतलब स्टोरी रहती है। हाँ, तो और इस चुनाव में तो कुछ ज्यादा ही गर्मी हो गई है, तीन तीन घराने, तीन तीन चौधरी, बांगड़ से लेके सिरसा से लेकर के बागड़ तक है, बांगड़ से लेके बागड़ तक, बागड़ तक। तो क्या आपका रूटीन रहता है, मतलब चुनाव के दरमियान सुबह ये कितने बजे उठना और फिर ब्रेकफास्ट? देखो, सोते हैं हम 1 बजे के करीब। अच्छा, क्योंकि दीजिए यहाँ 8 बजे का टाइम है, वहाँ 10 बजे पहुँचना होता है इलेक्शन में, तो ऐसा ही है। अच्छा, ये इलेक्शन में जो नेता लेट से पहुँचते हैं उसके पीछे भी कोई साइकोलॉजी रहती है क्या कि तब तक भीड़ भीड़ जमा हो जाए? ना ना, वो तो हाँ, 8 बजे का टाइम देकर के 10 बजे पहुँचना, वो ऐसा है कि लोग भी यही सोचते हैं कि 8 का दिया है तो 9:30 से पहले, तो आप लोगों ने बना दिया कि 8 बजे का टाइम दे तो पब्लिक समझ जाती है कि नेताजी कम से कम 10 बजे पहुँचेंगे। और उस फेरे में कई बार नेताजी को धोखा ये होता है कि 8 का टाइम दिया, 10 बजे पहुंचे तो पब्लिक समझ रही है कि वो तो 11 बजे तक पहुँचेंगे, गए और कुर्सी खाली। इंटरेस्टिंग बात ये होती है जी कि
आप टाइम से पहले पहुंचो तो जो ऑर्गेनाइजर हैं वो कहेंगे देखो साहब अभी तो लोग आने हैं, आप तो पहले आ गए, बहुत लोग आते हैं जी। और अगर देर से 2 घंटे लेट पहुंचोगे तो कहते बहुत थे चले गए इंतजार करके, तो वो अपना पक्ष भी मजबूत रखते हैं, ऐसी बात नहीं है। तो ये तो चुनाव में जब आप जाते होंगे तो रसगुल्ला भी कहीं पर खाना पड़े, क्योंकि जनता जनार्दन है और वोटर भगवान है, तो वो ठुकरा भी नहीं पाते होंगे कई बार। वो तो देखो उसको मतलब उसके घर पे जाना ही अल्टीमेट उसका सेटिस्फेक्शन संतोष उसको तभी होता, बाकी आप क्या खाओ ना खाओ वो उससे ज्यादा उसका संपर्क नहीं। कई बार जिद करने लगते हैं लोग, ना 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 चाय पी लीजिए, हाँ करते हैं लस्सी पी लीजिए, और वोट में तो आप किसी को नाराज भी नहीं कर पाते हैं। सबसे बड़ी परेशानी तो ये रहती है बाद बाकी एक आईएएस तो मना कर सकता है वो तो उसको तो एक मिनट, लेकिन आईएएस अगर मतलब पॉलिटिशियन हो जाए तो वो तो मना कर ही नहीं सकता है, और मना करने में भी बड़ा सावधानी बरतनी पड़ेगी कि इस सलीके से मना करें कि सामने वाले को दुख भी ना हो। तो ये ट्रेनिंग होगी ये बिजेंद्र की या अभी अभी इंटर्नशिप में ट्रेनिंग में? लोग सब सिखा देते हैं लोग सब सिखा देते हैं। राहुल गांधी जैसे को लोग सिखा देते हैं तो राहुल गांधी सीख गए या अभी भी लगता है आपको कुछ सीखना बाकी है? चलो 14 साल में कुछ तो सीखे। 2004 में मैंने नॉमिनेशन फाइल करवाया था जी, उस टाइम जी मैं इंचार्ज था उस टाइम कांग्रेस का यूपी का जी। अच्छा तो इतने लंबे समय में कुछ सीखे हैं, ठीक है अच्छा सीखना चाहिए आदमी को। पॉलिटिकल सिस्टम में आपको याद होगा राजीव गांधी भी पॉलिटिक्स से बिल्कुल अलग थे, अनभिज्ञ थे, अंडर कंपल्शन आना पड़ा। हाँ और फिर वो उनकी सीखने की जो स्पीड थी वो ज़्यादा थी एज कम्पेयर टू राहुल गांधी। प्रियंका गांधी के बारे में आपका क्या, आपके एनालिसिस क्या है? प्रियंका गांधी आज से 20 साल पहले लोगों में एक बात थी कि ये शी शुड टेक ओवर कांग्रेस अफेयर्स, लेकिन वो उस समय मुझे लगता है कि सोनिया गांधी चाहती होंगी कि उसका बेटा बने ना कि बेटी। तो ये लेकिन वो समय था जब उसके प्रति लोगों में एक आकर्षण था, वो ये समझते थे कि इंदिरा गांधी का रूप है, लेकिन अब वो बात नहीं है, अब वो नहीं है ना, क्योंकि वो फेंट हो गया बहुत ज़्यादा। हाँ उसमें कई फैक्टर आ गए और फिर ये भी लोग मान के चल रहे हैं कि अल्टीमेटली जो बैटन है वो तो राहुल गांधी को सौंपा है सोनिया गांधी ने, ना कि प्रियंका को। और फिर जो लंबे समय से जो कंट्रोवर्सी आई है लैंड की ये की वो की, उससे वो बात रही नहीं जो 20 साल पहले थी। नरेंद्र मोदी के नाम पे सब लोग वोट मांग रहे हैं और राष्ट्रवाद मुद्दा हो गया है। अब आप बीजेपी में हैं, काले धन की बात नहीं करते हैं, डीमोनेटाइजेशन की बात नहीं करते हैं, जीएसटी की बात नहीं करते हैं, सिर्फ पाकिस्तान को सबक सिखा देंगे ये बात करते हैं। और अरविंद केजरीवाल कहते हैं कि ये कैसा राष्ट्रवाद है जहां चुनाव हिंदुस्तान में हो रहा है और पाकिस्तान का प्रधानमंत्री चाहता है कि नरेंद्र मोदी प्राइम मिनिस्टर दोबारा हो जाएं। देखिए मेरे अपने राजनीतिक जीवन में पहली बार मैं ये देख रहा हूं कि देश का मतदाता जो है वो एक होती है एंटी इनकम्बेंसी जी,
एक होती है इनकम्बेंसी, एक होती है प्रो इनकम्बेंसी। फर्स्ट टाइम मैं देख रहा हूँ कि किसी सरकार के प्रति और खास तौर पे प्रधानमंत्री के प्रति लोगों में प्रो इनकम्बेंसी फैक्टर है। अच्छा। वो एक वो कहते हैं कि इनको दोबारा सत्ता मिलनी चाहिए अगर देश को कुछ आगे बढ़ना है तो। ये बहुत बड़ी बात है, मैंने कभी नहीं देखा। और जब कोई नेता लोगों की नजरों में ये आए कि इसको दोबारा मौका मिलना चाहिए जी। तो ये एक नया फिनोमेना है। और इसमें आपने जैसे राष्ट्रवाद और इसकी बात करी जी, स्वाभाविक है कि परिस्थिति ऐसी बनी है जिसमें आपको राष्ट्रवाद को पीछे नहीं छोड़ सकते आप जी। राष्ट्रवाद एक ऐसा मुद्दा है जिससे चुनावी गणित जो जातीय आधार पर टिका होता है, क्षेत्रवाद पर टिका होता है, सांप्रदायिकता भी एक बड़ा फैक्टर है जो उभर के आता है इलेक्शन में, ये सारे गौण हो गए। इसलिए लगता है कि हम क्यों राष्ट्रवाद के नाम पे वोट मांग रहे हैं जी। ये सिस्टम का हिस्सा बन गया है इस चुनाव में। ये मैं नहीं कहता कि आगे कितना इसका असर रहेगा, लेकिन आज के दिन प्रमुखता से राष्ट्रवाद जो है लेकिन आपको तो जो सरकार में काम किया बीजेपी ने है ना, ये डर लगता है कि ब्लैक मनी की बात करें तो दिक्कत हो जाएगी, डीमोनेटाइजेशन की बात करें तो दिक्कत हो जाएगी। मैं कहता हूँ ये फैक्टर आज गरीब की आस्था जो बीजेपी के प्रति बनी है और लोगों में ये था कि ये तो शहरी लोगों की पार्टी है। बीजेपी के प्रति बनी है या नरेंद्र मोदी के प्रति बनी है? बात तो नरेंद्र मोदी रिप्रेजेंट करते हैं बीजेपी को। नरेंद्र मोदी का जो स्टेचर है वो इतना ऊंचा हो गया कि पार्टी और कैंडिडेट एक किस्म से नीचे हो नदारद हैं। तो वही मैं कह रहा हूँ कि बीजेपी के प्रति या नरेंद्र मोदी के प्रति? देखो पार्टी का तो है ही, कैंडिडेट का भी है, लेकिन जो लीडर है ही इज मोर प्रोमिनेंटली सीन इन द इलेक्शन कैंपेन, रादर ही इज लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट। दैट इज द क्रेडिट व्हिच गोज टू नरेंद्र भाई मोदी। आपके ऑपोजिशन वाले लोग हिसार में यही कहते हैं कि एक बार चौधरी साहब नरेंद्र मोदी का फोटो हटा के लड़ें। ठीक है, जीतने के लिए कौन किस चीज को छोड़ता है, ये जो बोलते हैं ये अपने दादा का देवीलाल जी का हटा के देखें, फिर पता लगेगा कि कितने पानी में है। आज इनको ये कोई मिल नहीं रही कि कोई आर्गुमेंट ठोस कोई बात करे। भाई मैं उनका कैबिनेट मिनिस्टर हूँ, मेरा बेटा चुनाव लड़ रहा है, नरेंद्र भाई मोदी प्राइम मिनिस्टर हैं, और जैसे आपने और हमने इस बात पे सहमति दी है कि वो आज वो इज लीडिंग फ्रॉम दी फ्रंट, तो उनका फोटो क्यों ना लगाएंगे और उनकी चर्चा क्यों ना करेंगे। और लोग जिसको सुनना चाहते हैं वो यह सुनना चाहते हैं, तो जिसको लोग सुनना चाहें, राष्ट्रवाद को अगर लोग सुनना चाहें तो क्यों ना सुनाएं। यहाँ तो सवाल वोट का है और जीतने का अल्टीमेट तो वही है। बिल्कुल बिल्कुल, बाकी तो आदर्श की बातें जितनी कर लें आप। नहीं, आदर्श का मतलब ये नहीं होता कि इसमें क्या आदर्शवाद है कि मैं मोदी जी के फोटो के बगैर चुनाव लड़ूं। क्यों? फिर तो इंडिपेंडेंट खड़ा हो जाओ, पार्टी की जरूरत ही नहीं। मैं मनोहर लाल जी से अभी मिला था, थर्मामीटर लगा रहा था उनको भी, हमने कहा कि बीपी वाली गोली दवा खाते रहिए। उन्होंने पूछा क्यों? हमने कहा कि चौधरी साहब ने वीआरएस तो भेज दिया है, इसका मतलब ये नहीं कि घंटी नहीं बज रही है, घंटी बज रही है,
और अब तो और तेज बजने लगी है, तो कह रहे थे नहीं चौधरी साहब मेरे अच्छे मित्र हैं और हमेशा मेरा भला चाहते हैं, मेरे काम की तारीफ भी करते हैं और ऐसे भी अब उनकी उम्र हो गई है तो ऑन द वर्ज ऑफ रिटायरमेंट ही हैं। वो ये मेरे से 4 साल ही छोटे हैं, कोई खास बात मतलब 4 साल का क्या फर्क पड़ता है? कोई फर्क नहीं। 66-70 या 70-74 में क्या फर्क पड़ता है? कुछ नहीं, मैंने बता दिया ना। लेकिन पॉलिटिकल जो इनिंग है मेरी वो आई मैं अर्ली स्टार्टर, 25 साल का आदमी जब चुनाव लड़ेगा तो 47 इयर्स में तो 3 जनरेशन बदल गई। इसलिए मैं ये समझता हूँ कि और भी तो काम है करने को, वो करेंगे। मैं इलेक्टोरल पॉलिटिक्स से ही रिटायर हुआ हूँ, मैं आगे चुनाव नहीं लड़ूंगा, मैं बोल चुका हूँ। नहीं मैंने उनको बताया भी कि मैं उनके पास गया था इंटरव्यू करने, तो वो कह रहे थे, मैंने कहा कि अब तो आप निश्चिंत हो गए तो मान लीजिए कि अगर टेलमा 80 लेते होंगे मनोहर लाल जी तो अब आधा डोज कर सकते हैं टेलमा 40 क्योंकि एक आदमी बाहर हो रहे हैं। तो मैंने जब ये कहा तो कह कि नाना घंटी तो बज रही है, तो उस पर उन्होंने कहा कि अच्छे आदमी हैं, मजाक करते रहते हैं, मतलब मेरे अच्छे मित्र भी हैं, सलाहकार भी अच्छे हैं, मेरे काम की तारीफ भी करते हैं और लास्ट में कहा कि अब उनकी उम्र भी हो गई है। मतलब वो कह रहे थे कि तलमा 40 के आप 20 भी खा सकते हैं। तो अपने तरफ से वो आपको मार्गदर्शक मंडल में भेज चुके हैं। ठीक है, मार्गदर्शक अब तो आप फिर आडवाणी जी से, मुरली मनोहर जोशी जी से बीजेपी में, तो अब उनसे मिलते रहिए। ना ना मैं तो और भी बहुत कुछ है करने को, मैंने बता दिया ना कि भारतीय जनता पार्टी हरियाणा में ये 5 साल की जो टेन्योर मिली है इसमें इन्होंने अपनी जो पनीरी तो तैयार कर दी, लेकिन उसकी ग्रोथ के लिए बहुत कुछ करना है, क्योंकि 2/3 हरियाणा में बीजेपी का 2014 से पहले जन आधार ऑलमोस्ट नगण्य था जीटी रोड को छोड़ के। अरे नगण्य का मतलब जब विरोध करना हो तो 4-5 का आदमी जो है सो नंग धड़ंग होके रोड पे आते थे, अनिल विज हो, ये हो, वो हो, उसके अलावा और कौन होता था? नहीं वहाँ वोट भी थी जीटी रोड पे, थोड़ी बहुत थी, इतना पेनिट्रेशन नहीं था। अरे आज जो वोट मिल रहा है बीजेपी को वो एक जमाने में नॉन जाट वोट मिलता था कभी भजनलाल या कुलदीप बिश्नोई को और वो मिलता था कांग्रेस को, आज वही चला गया उधर। आप सही समझ गए, आप मैं कभी गलत समझता ही नहीं। इसको स्टेबलाइज करना जरूरी है जी। ये जो स्ट्रेंथ बीजेपी को मिली है रूरल एरियाज में, जो कांग्रेस की वोट थी वो आपने सही कहा वो ट्रांसफर हो गई। मैं तो क्लियर कट कहता हूँ कि बीजेपी का ये जलवा है तो उसका आधार ही है। मैं कुलदीप बिश्नोई जी का अभी इंटरव्यू कर रहा था, वही थर्मामीटर लगाया हुआ था, मैंने कहा कि अगर कुलदीप बिश्नोई अपने पिता की विरासत को आगे बढ़ाए रहते और नॉन जाट की गोलबंदी को अपने साथ बनाए रहते तो आज बीजेपी का उदय ही नहीं होता। बीजेपी है इस इलाके में, दैट इज क्लियर कट फेलियर ऑफ कुलदीप बिश्नोई। नहीं नहीं, वो जो वो सियासत है वो अब कारगर नहीं है। देखिए आप ये भी मान के चले कि भजन लाल जी ने जो अपनी पोजीशन क्रिएट की वो ये सिर्फ नॉन जाट प्लैंक पे नहीं की, यानी वहाँ इस हिसाब से इन दोनों पार्टियों में या दोनों धड़ों में, एक ओम प्रकाश चौटाला जी का धड़ा, दूसरा भजन लाल जी का धड़ा, इसमें कॉमन अंडरस्टैंडिंग बड़ी थी कि आप मेरी पीठ खुजाओ मैं आपकी खुजाऊंगा, ये जो है ना ये था सिर्फ। और लोगों के पास कोई चॉइस नहीं थी कि भाई जो खुजा रहे हैं तो ठीक है, किसी के साथ तो जुड़ना ही है। लेकिन अब जब तीसरा ऑप्शन आया बीजेपी का तो उसका जो कैनवस था वो बड़ा था, तो हर आदमी ने सोचा दिस इज द प्लेस वेयर वी शुड कंसंट्रेट। इसलिए ये हुआ है कुलदीप की, मतलब ना कामयाबी मैं नहीं मानता इसको,
कुलदीप अगर कोशिश भी करता तब भी ये वोट बैंक ये ऐसे नहीं रहता, क्योंकि नेशनल लेवल पे एक फैक्टर उभर के आया नरेंद्र भाई मोदी के रूप में, जिसका असर हरियाणा की पॉलिटिक्स में पड़ा। और भारतीय जनता पार्टी ने पहली बार ये समझा कि हम अपनी किस्मत अकेले लड़के आजमा कर सकते हैं, उसमें कामयाब हो गए। और एक बार 5 साल आप सत्ता में रहोगे तो एस्टैब्लिश हो जाते हैं, एस्टैब्लिश हो जाते हैं। आपकी आपका जनाधार वैसे ही बनता है, बिल्कुल। बीट भूपेंद्र सिंह हुड्डा, बीट भजन लाल, जो चीफ मिनिस्टर बना बिल्कुल वो इस पोजीशन में आ गया। हालांकि वो कामयाबी मिले ना मिले, वो अपनी पार्टी बनाने की ताकत उनकी हो गई। नहीं नहीं, ये अलग बात है कि गुलाबी गैंग जो है वो पार्टी नहीं बनी। नहीं नहीं, बनी क्यों नहीं, अब आगे क्या होगा देखना। कब चुनाव के बाद गुलाबी गैंग की? अच्छा, आपने मशवरा दिया था कि एक ही जगह कॉन्सेंट्रेट करें, लेकिन वो तो दो जगह उतर गए। अब देखो ना, मैंने इसीलिए कहा कि इसके बीच में पढ़ना पड़ेगा कि क्यों दोनों को उतारा गया, पार्टी हित में उतारा गया या कोई दूसरी बात थी। कुछ तो, लोग कहते हैं कि जींद इलेक्शन में एक कांटा निकला था, लोगों ने निकाला, तो उस कांटे ने कहा कि मैं अब दो कांटा निकालता हूँ। ये नहीं, देखो मैंने आपको एक इंटरव्यू में कहा था कि जिसको आप कांटा समझते हैं वो कांटा है नहीं, और जो है नहीं उसको कोई निकालने की कोशिश नहीं करेगा। मैं नहीं मानता कि जींद के बाई इलेक्शन में कोई कांटा निकालने की किसी की राजनीति थी, नहीं थी। वो एक सिचुएशन होती है, जैसे मेरे आपके ताल्लुकात सबसे ज़्यादा हैं, और जो ये चार लोग बैठे हैं इनके बारे में मेरा ये व्यू है कि इनमें से किसी को लड़ाऊंगा तो मुझे कुछ नहीं, फिर मैं कहूँगा यार कोई अच्छा लेके आ, फिर भी आप कहोगे इससे इनसे अच्छा कोई है नहीं, तो फिर आगे तो तुम ही लड़ लो, व्हाई नॉट यू। यही तो था, यही था। रणदीप सुरजेवाला का जो अनाउंसमेंट था, जिस दिन हाउस चल रहा था वहाँ बाहर निकले तो वहाँ वेणुगोपाल, वहाँ रणदीप सुरजेवाला, वहाँ अशोक तंवर, बात हुई और राहुल गांधी ने मुस्कुरा कर इनकी तरफ देखा, रणदीप की तरफ, और कहा व्हाई नॉट यू, व्हाई नॉट यू, दो बार कहा और तीसरी बार मुस्कुरा कर करके वेणुगोपाल की तरफ कहा डिक्लेयर, और हो गए कैंडिडेट। इसीलिए तो जो तो ये जो रोहतक वाली चौधर है कांग्रेस में, उसका क्या आकलन है आपका? आपके तो रिश्तेदार भी हैं, भाई भी हैं, शागिर्द भी हैं, भजन लाल को हटवा करके उनको चीफ मिनिस्टर भी बनवाया, फिर टकराए भी आप। देखो ये आपके आपकी और उनकी लव स्टोरी तो इतनी खतरनाक रही है कि उस पर सिनेमा बन जाए। संभावनाएं ये हैं कि ये दोनों चीजें मतलब कंटेस्ट तो है, लेकिन भाजपा जीतेगी दोनों सीटें, वही नॉन जाट वाले आधार पर, आधार कुछ भी हो। देखो नहीं, नहीं, और क्या आधार है? नहीं नहीं ऐसा नहीं है, आप एक बात देखिए जी, भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने 3 बार देवीलाल जी को मेंबर पार्लियामेंट के रूप में शिकस्त दी, और तीनों बार उसका जो आधार रहा है वो शहरी वोटों का आधार रहा है। रोहतक प्लेड ए प्रोमिनेंट रोल, पहले इलेक्शन में उनको शहर से 40,000 की लीड मिली, दूसरे में 33-34,000 की मिली, तीसरे में भी 28-30,000 की मिली, और इस चुनाव का भी हिस्ट्री रिपीट के चुनाव तो इसी लाइन पे होगा, लेकिन प्लेयर अलग हो गए। अब जो जहाँ था वो वहाँ नहीं है, जो वहाँ नहीं था वो वहाँ है। मतलब भाजपा के रूप में, जैसे अभी आपकी हमारी बात हो रही है, कांग्रेस की वोट भाजपा के पाले में है आज के दिन। हाँ, मतलब उसको कांग्रेस, मतलब कांग्रेस वो था, वो पार्टी थी जिनको सारी 36 बिरादरियों का वोट मिलता था 2014 के पहले। अब वो 2014 में सर्कमस्टांसेस ऐसे बने कि नॉन जाट, जाटों की गोलबंदी, एवरी एक्शन हैज गॉट इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन, जाटों की गोलबंदी एक तरफ और नॉन जाट की गोलबंदी एक तरफ, इस ये यही हुआ 2014 में? ना ना, ये नहीं हुआ, बिल्कुल नहीं। आप नहीं हुआ तो फिर ये वाला इलाके में आप इधर बहादुरगढ़ से इंटर करते हैं और चले जाइए डबवाली तक। अभी जो सरकार चल रही है चंडीगढ़ में वो तो जीटी रोड और अहिरवाल ही है। फिर वही, मैं यही तो आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, आप अगर उसको ना माने तो वो अलग बात,
कि यहाँ मैंने अभी बताया कि यहाँ भाजपा का जन आधार नहीं था और इस वजह से यहाँ सीटें वो नहीं निकाल सके, लेकिन ये जरूर है जहाँ इनको 2500 वोट मिलती थी वहाँ 30,000 भी मिली। डबवाली है, डबवाली में उससे पहले कितनी बार भाजपा के कैंडिडेट रहे, 2000, 4000, 6000, लेकिन कैंडिडेट जो पिछली बार खड़ा उसको 26,000 कितनी वोट मिली। लेकिन बात वहीं आके खड़ी होती है कि आपका जो फैलाव है कार्डर का, आपके इन्फ्लुएंस का, वो उतना नहीं था, तो इसलिए हार का सामना करना पड़ा। मैं तो आज इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि मुझे, मैं जिस दिन मैंने भाजपा ज्वाइन किया था मैंने एक ही बात कही थी कि मैंने कहा मैं अपनी ज़िंदगी में अब ये कोशिश करूँगा कि भाजपा का जन आधार रूरल एरियाज में हम स्थापित कर सके, वी कैन गिव परमानेंस टू दैट बेस, वो इम्पोर्टेंट है सबसे ज़्यादा और वो होगा आप देखना। क्योंकि अब भी आपको जो रिजल्ट आएंगे ना, अब मैं आपको एक बताता हूँ, आप फिर आप मेरी बात से काफ़ी हद तक सहमत होंगे। आपने कहा जाट नॉन जाट, पिछले चुनाव में कुलदीप 6 सेगमेंट से पार्लियामेंट जीता और 3 सेगमेंट नारनौंद, उचाना और उकलाना, वहाँ से 1.5 लाख वोटों की लीड लेके दुष्यंत पिछली उसकी डेफिशिएंट को पूरा करके आगे निकल 25-30 हजार से जीता था। जो आपकी थ्योरी है वो फेल होएगी वहाँ, अब उसका जो 1.5 लाख का करिश्मा है वो डेफिसिट में जाएगा। और कुलदीप बिश्नोई को, जिसको आप ये कहते थे कि नॉन जाट कोई जाति नहीं, फिर भी मैं दोबारा दोहरा रहा हूँ, उसका कितना वोट मिलेगा वो आप आंकलन कर लेना पिछले से मिला के। और भाजपा क्योंकि थी नहीं, अब भाजपा खड़ी है तो भाजपा की क्या पोजीशन होगी, बिल्कुल फिर आपको लगेगा कि ये जो सोच है कि भाजपा ने जाट नॉन जाट का पॉलिटिक्स किया, बिल्कुल फेल नजर आएगी आपको। और मैं क्लेम नहीं करता क्योंकि अभी चुनाव है, मैं ये कहता हूँ कि जिनको आप कहते हैं ना कि वो भाजपा से अलग हैं, आप देखना कितने वोट मिलेंगे उसकी, जिनको आप, वो हो सकता है आपके इंडिविजुअल बेसिस पे मिले, ऐसा ही होता है इंडिविजुअल। लेकिन जो जीत हिसार की होगी या कहीं की भी हो, रोहतक की हो या सोनीपत की हो, वो अब मैं पब्लिक थर्मामीटर कर रहा था, घूम रहा था लोगों में, आदमपुर भी गया और मैंने गांव सेलेक्ट किए, हालांकि वो रैंडम सैम्पलिंग थी लेकिन सेलेक्ट किए जहां पर सैनियों का भी वोट हो, जहां पर जाटों का भी हो। तो जाट तो अब भी इस तरफ या उस तरफ थे, लेकिन जो नॉन जाट का पोलराइजेशन हो रहा था वो बीजेपी की तरफ हो रहा था, वो कैंडिडेट पूछ ही नहीं रहा था। मैंने उनसे पूछा कि कैंडिडेट देखोगे नहीं देखोगे, बोला ना सिर्फ मोदी देख लेंगे, बस मोदी चाहिए ऊपर। तो इसीलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि वो जो थीसिस है जाट वर्सेस नॉन जाट वो नहीं चल रहा, चल रहा ये तो मोदी इतना पॉपुलर क्यों नहीं है जाटों में? नहीं, मैं इसीलिए कह रहा हूँ, पॉपुलरिटी तभी तो पता लगेगी जब आज के इलेक्शन में जिसको हम देश प्रेम बोलते हैं, देशभक्ति बोलते हैं, या हमारी अटैचमेंट हमारी कंट्री से, क्योंकि आप एक जनरेशन है जिसने गुलामी के बारे में कभी सोचा नहीं, क्योंकि आप तो पैदा भी ऐसे ही हुए और देश भी ऐसा ही है। आज के दिन वो आदमी जो यूथ है, दे आर मोर कंसर्न्ड अबाउट द फ्यूचर ऑफ द कंट्री, क्योंकि वो कहते हैं कि भाई हम अपने देश को कमज़ोर नहीं देखना चाहते किसी हालत में। इसलिए मोदी फोकल पॉइंट बन गया उनका कि अगर कोई देश को मजबूती दे सकता है, देश को एक ऐसी स्थिति में खड़ा कर सकता है जो दुनिया के बड़े देशों में हमारा शुमार हो, तो ये यूथ के मन की बात है। इसको आप राष्ट्रभक्ति बोल दो या ये बोल दो कि यूथ इज़ वेरी मच कंसर्न्ड अबाउट द फ्यूचर ऑफ द कंट्री, क्योंकि वो ये सोचता है कंट्री ठीक है तो हम ठीक है वरना गए। And in other words, they have been hypnotized? No, it's not hypnotism. It's the reality. और ये रियलिटी ये है, और इसी से मुझे सबसे बड़ी खुशी ये है कि इस रियलिटी ने कास्ट को
तरफ कर दिया, जिसकी बात आप जिस थ्योरी की बात करते हैं उसी को डिस्पेल कर दिया। और ये मैं तो कहता हूँ इस तरह का फिनोमेना अगर परमानेंस मिल जाए देशभक्ति की फीलिंग को हमारे नॉट ओनली इन इलेक्टोरेट वैसे भी लोगों में, तो ये देश बहुत बड़ा यानी जल्दी से और बहुत बड़ी ताकत बन सकता है। चलिए, तो ये बातचीत जब चौधरी साहब से बातचीत होती है तो मैं भी खो जाता हूँ, और थर्मामीटर है, नीम का पत्ता है, वो शोले फिल्म में आपने वो सुना होगा ना कि वो पूछता है कि नमक खाई है तो अब गोली खा। अब मेरा डायलॉग है कि नीम का पत्ता खाया है तो अब थर्मामीटर लगा। चौधरी साहब हैं बहुत ही आदर के साथ, और सफ़र में हैं इनके साथ, थर्मामीटर हम लगाएंगे, टेम्परेचर आपको नोट करना है। तो चलते हैं सर अगले पड़ाव की तरफ। चलिए, तो चौधरी बीरेंद्र सिंह जी के साथ हम लगातार बने हुए हैं और थर्मामीटर लगाया हुआ है, नीम का पत्ता खाया है तो अब थर्मामीटर लगा, शोले वाला डायलॉग आपको याद होगा। चौधरी साहब, आपसे भी नाश्ते के टेबल पे गुफ्तगू हो रही थी, बातचीत हो रही थी, तो बहुत कुछ मैं भी समझना चाह रहा था आपसे, और थर्मामीटर लगा दिया था तो पब्लिक भी समझ रही होगी, टेम्परेचर नोट कर रही होगी। ये जो आपके विरोधी हैं हिसार में, वो कहते हैं कि हिसार प्रॉपर हिसार में अगर आप चौधरी साहब को रैली करनी हो तो जींद में करेंगे, उचाना उखलाना नरवाना मतलब उधर ही घूमते रहेंगे, तो हिसार के रिप्रेजेंटेटिव के तौर पे चौधरी वीरेंद्र सिंह जी की मदद क्यों की जाए? देखिए, मैं तो चुनाव नहीं लड़ रहा, चुनाव तो ब्रजेंद्र सिंह लड़ रहा है। वो तो ऑफिशियल ना, ऑन ऑफिशियल तो आप ही लड़ रहे हैं, आप ही के नाम पे वोट मिलेगा। ऐसी बात नहीं है, मैं ये मुझे लगता है कि जितने भी प्रत्याशी हैं, सिर्फ हिसार की बात नहीं, हरियाणा में ब्रजेंद्र सिंह का जो सिलेक्शन है भारतीय जनता पार्टी द्वारा, वो बड़ा महत्वपूर्ण है, क्योंकि आपने देखा कि एक नई जनरेशन बैटन चेंज कर रही है पुरानी जनरेशन से नई जनरेशन। आप कितनी टिकटें जो दूसरी पार्टियों ने भी दी हैं उसमें भी देखेंगे कि नौजवान बच्चे बच्चियां चुनाव में उतरे हैं जिनकी 30 साल 35 साल उम्र है, तो ये अच्छा है। और ब्रजेंद्र सिंह, क्योंकि उसका 20 साल का आईएएस ऑफिसर उसका एक अपना कार्यकाल रहा है, अच्छा रहा है, और मैंने देखा कि आहिस्ता आहिस्ता हमारे देश की पार्लियामेंट में एक समय था जब बहुत बड़े विद्वान लोग जो देश की आज़ादी की लड़ाई में शामिल हुए थे, और एमिनेंट लॉयर्स, डॉक्टर्स, इतिहासकार, इवन आपके बहुत पत्रकार कुलदीप नैयर जैसे, इन लोगों की अब कमी पड़ रही है। और आपने देखा प्रधानमंत्री जी ने एक कैबिनेट एक्सपेंशन की थी, उसमें चार मंत्री बनाए थे सिर्फ, और चारों की जो पृष्ठभूमि थी वो आईएफएस आईएएस या आईपीएस ऑफिसर की थी। मतलब आप ये इंडिकेट कर रहे हैं कि बिजेंद्र को अगर जिताया तो वो सिर्फ एमपी नहीं होगा, वो वहाँ कैबिनेट में भी जगह हासिल कर सकता है? नहीं नहीं, मैं ये इंडिकेट कर रहा हूँ कि देश के प्रधानमंत्री ने एक कैबिनेट एक्सपेंशन में जो ये फैसला लिया, ये इस बात की तरफ भी इशारा करता है कि जो लॉ मेकर्स हैं वो सिर्फ राजनीति की नहीं, उनकी परिपक्वता एक अच्छे ड्राफ्टिंग जिसकी अच्छी हो, जो संविधान की और कानूनी बारीकियों को और अच्छी तरह समझे और उसका राजनीति में उसको उतारे, वो बड़े अच्छे परिणाम होते हैं। तो इसलिए तो हिसार में तो दो यूथ हैं, एक जो है इस ऑक्सफोर्ड से रिटर्न है भव्य, दूसरे वाले भी पढ़े लिखे बहुत अच्छे हैं,
और एमपी रहते रहते एलएलबी और पता नहीं क्या डिग्रियां भी ली उन्होंने, पढ़ाई बदस्तूर जारी है, तो कंपटीशन तो बिटवीन थ्री है। और तीन के तीन जो हैं ये नई जनरेशन वाले हैं, जहां पर कि पुरानी पीढ़ी से नई पीढ़ी में ट्रांसफर हो रहा है। मैं ये अच्छा मान रहा हूँ, बहुत अच्छी बात है कि अगर वो बच्चे जो, जैसे आपने कुलदीप के बेटे का नाम लिया, ऐसे जवान आदमी राजनीति में आए लेकिन राजनीति को होल टाइम राजनीति करने वाला हो, मैं उसकी ज़्यादा कदर करता हूँ। ये भी अगर आगे ठीक सोच के चलेंगे तो हो सकता है लोगों में इनके बारे में भी एक अच्छी सोच बनेगी। दुष्यंत कहते हैं कि मैं सिटिंग एमपी हूँ और दमखम के अपने दमखम पे जीता, और 5 साल जो मेरा इलाके से कनेक्ट रहा है और जो मैंने काम करवाए हैं वो इन दोनों के बारे में, या मान लीजिए कि अगर बिजेंद्र नए हैं तो उनके पिताजी हैं चौधरी बीरेंद्र सिंह, स्टील मंत्री भी हैं, इस इलाके को उनके मंत्री होने से, उनके तजुर्बे का, उनके मंत्री होने का क्या फ़ायदा हुआ? कोई एक चम्मच, स्टील की चम्मच बनाने वाली कोई एक कंपनी आ गई हो उनके सौजन्य से, या क्या हुआ, क्यों हिसार वोट करें? देखिए, वीरेंद्र सिंह देश का स्टील मिनिस्टर है, हरियाणा का स्टील मिनिस्टर नहीं हुए, और मेरी ये मान्यता है कि किसी भी राजनीतिक आदमी को एक पद जिसकी गरिमा ये है कि आप, यू आर रिप्रेजेंटिंग द कंट्री, उसमें जो उचित है जिस भी स्थान के लिए, उन स्थानों को प्राथमिकता के आधार पर देखा जाए। स्टील मिनिस्ट्री ऐसी चीज़ है, स्टील उद्योग ऐसा है जो वहीं लगता है जहां या तो आयरन ओर हो या कोयले की उपलब्धि हो, और इसीलिए आप देखें कि कोई भी जो इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट, बड़े स्टील प्लांट हैं जो इस देश का लगभग 45% उत्पादन स्टील का इन्हीं इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट से होता है, ये वहाँ हैं जहाँ पे कोयला की उपलब्धि है। और तो और अब हमने ये भी शुरू किया है कि कुछ ऐसे रॉ मटेरियल हैं जो विदेशों से लाना पड़ता है, जैसे कोकिंग कोल सबसे बड़ा रॉ मटेरियल है स्टील बनाने का, वो हम ऑस्ट्रेलिया से और कनाडा से लेते हैं क्योंकि यहाँ हमारे देश में वो उपलब्ध इतनी बड़ी मात्रा में नहीं है। तो हमने ये भी सोचा कि जो अगले हम प्लांट लगाएंगे वो कोस्ट बेस पे, यानी वो ठीक है। हाँ, लेकिन नहीं, लेकिन नहीं। आपके कद का, आपके मंत्री होने का, आपकी सीनियरिटी का, आपके तजुर्बे का, आपके घर को क्या फ़ायदा मिला? मैंने बता दिया। देखिए, एक तो आप ये मान के चलें कि राजनीति में, यानी जो पर्सनल इंटरेस्ट होते हैं ना, उससे राजनीति नहीं चलती। देश में जो लोग मेरे को चुनते थे और जिन लोगों ने मुझे पिछले 40 साल में समर्थन ही दिया, वो इलाके की लिए उनकी ये सबसे बड़ी संतुष्टि है कि हमने जिस आदमी को राजनीति में लगातार समर्थन दिया है वो आज देश की राजनीति में अपना स्थान रखते हैं। और जब वीरेंद्र सिंह का स्थान है तो वो मेरे इलाके का भी स्थान है, वो हिसार का भी स्थान है। और मैंने तो इस इंडस्ट्री में, स्टील इंडस्ट्री में, जो पिछले 6 साल से बिल्कुल ये मैं कहूँ कि क्राइसिस में थी, उसको टर्न अराउंड किया है। कोई गांव, एक एक गांव तीन तीन चार चार तरफ से सड़क से जुड़ा हुआ है। और पिछले, जब से मेरी वाइफ विधायक बनी है, हम कम से कम अपने इलाके में 200 करोड़ रुपए की तो सड़कें बनवा चुके हैं। और इसी तरह सिविल हॉस्पिटल जो हम प्रयास में था मैं कि जल्दी बने, अब वो बन के तैयार हो गया। वहाँ ये जो कह रहे हैं कि वीरेंद्र सिंह ने क्या किया, चम्मच का कारखाना लगाना नहीं है, वहाँ शिक्षा की और स्वास्थ्य की सबसे बड़ी कमी थी। सेंट्रल स्कूल वो बुढ़ायन गांव में बनके तैयार हो गया,
26 करोड़ की लागत से, इसी तरह एक ड्राइविंग स्कूल जो वहाँ की आवश्यकता थी उसको हमने गवर्नमेंट कॉलेज, मेरे अपने इलाके में कोई कॉलेज नहीं था, एक कॉलेज मैंने स्थापित किया था आज से 12-13 साल पहले राजीव गांधी महाविद्यालय के नाम से। दूसरा कॉलेज अभी 4 साल से वो चल रहा है, पहला ऐसा कॉलेज है जिसमें मैं ये कह सकता हूँ कि 23 करोड़ रुपए की लागत से वो तैयार हुआ, और वहाँ हॉस्टल का प्रबंध कर रहे हैं ताकि लड़कियाँ भी अगर पढ़ने आएँ तो उनकी हॉस्टल की सुविधा हो। तो किसी भी स्फीयर में कोई ये कहे कि वहाँ विकास नहीं हुआ, बल्कि मैंने आपको देखा, आप मखंड गांव में गए थे जी, और वहाँ लोगों से पूछ रहे थे, मतलब आप मुझे, मैं आपको फॉलो करता हूँ और आप मेरा ट्रैक पूरा रखते हैं, बिल्कुल रखता हूँ, और वहाँ आपने कोशिश की जानने की, क्योंकि हमारे जो एमपी हैं आज के, उस गांव को उन्होंने अडॉप्ट किया हुआ है, तो मैं भी गया हूँ उस गांव में 2-3 बार। यानी ये कहना कि विपक्ष के एमपी हैं इसलिए उतना काम नहीं हो सका, मैं इस बात को नहीं मानता। एक तरफ तो एमपी ये बोलते हैं कि मेरी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी रही, देखिए जिस एमपी की परफॉर्मेंस अच्छी रहेगी वो किसी भी पार्टी का हो वो अपने इलाके में बहुत कुछ करा सकता है, लेकिन लोग ये बोलते हैं कि साहब कभी दर्शन ही बहुत मुश्किल होते थे उनके, और क्योंकि वो इस इलाके से नहीं कि किसी वजह से वो चुनाव जीते हैं, वो आपको भी पता है हमारे को भी पता है, लेकिन हमसे बड़ी तवक्को करते हैं कि हम हर आदमी के यहाँ खुशी में गमी में ज़रूर जाएं, और मुझे खुशी है इस बात की कि मैं तो देखो मैं क्योंकि मेरा एक स्तर था कि मैं स्टेट लेवल और राष्ट्रीय स्तर पे राजनीति करूं तो मेरे लिए संभव नहीं था, लेकिन मेरी धर्मपत्नी जो विधायक है आज हर आदमी उसकी प्रशंसा करता है। आप मखंड गांव में गए, सबसे बड़ा गांव है हमारा छातर में कभी जाके देखना, 12,000 वोट हैं उस गांव में, उचाणा जो कॉन्स्टिट्यूंसी का नाम है उस उचाणा से भी ज़्यादा है। वहाँ जो काम विकास के हुए हैं, कहते हैं कि हम तो 40 साल तक देवीलाल जी और उसके परिवार को वोट देते रहे, हमें तो पहली बार ये एहसास हुआ है कि हमारी एमएलए प्रेमलता ने हमारी तो ज़िंदगी बदल दी, इसलिए लोग एक मत हैं इस बात के लिए। इसी यही आरोप या कह ले तर्क है दुष्यंत का, वो कहते हैं कि चौधरी साहब इतने बड़े कद के नेता हैं, पूरी चौधर बांगर की और तमाम तरह की चीज़ें उनके साथ जुड़ी रही, अभी स्टील मिनिस्टर भी हैं, वाइफ जो हैं वो एमएलए भी हैं, बेटा चुनाव लड़ रहा है, बावजूद उसके मोदी के नाम पे वोट मांग रहे हैं। ये नहीं पोस्टर में कि हमने ये काम करवाया इसलिए आप हमें वोट दें, मतलब मोदी का हटा दें तो फिर कहानी जीरो हो जाएगी। देखिए हम पोस्टर वो अपने दादा का हटा दें, वैसे तो दादा का लगे लगाए क्योंकि परिवार को उन्होंने तोड़ दिया, तो दादा का पोस्टर लगाने के बावजूद भी लोगों में एक भावना आ गई कि जो परिवार को इकट्ठा नहीं रख सकते वो लोगों के लिए क्या करेंगे। लेकिन मुझे इस बात का गर्व है, मेरे परिवार में 150 लोग हैं और एक मेरे भाई ने चुनाव भी लड़ा था मेरे खिलाफ लोकदल से, मैं कांग्रेस से था, हमने 6 महीने बाद दोनों ने बैठ के किया कि कोई बात नहीं, अब चुनाव की बात तो हो गई, अब हम इकट्ठा चलेंगे। उन बातों को भी 40 साल हो गए, हमारा परिवार इकट्ठा है और मुझे इस बात का गर्व है, और मैं इस चीज़ में अपनी ड्यूटी मानता हूँ कि परिवार के हर आदमी को देखा जाए कि उसको समस्याएं हैं तो उसका हल निकालने की कोशिश की जाए। ये परिवार पोस्टर की जो बात करता है, मैं ये कहता हूं कि अगर ये अपनी पार्टी को इकट्ठा रखते तो इनको पोस्टर की भी ज़रूरत नहीं थी। आज पार्टी टूट चुकी है, आज परिवार टूट चुका है, और जिस जूते को पहन के देवीलाल जी के या ओम प्रकाश जी के जूते को पहन के ये लोग चुनावी मैदान में उतरे थे, आज उस जूते को छिन भिन कर दिया, सिर्फ उसकी चप्पल के शेप में बादियां बची हुई हैं, और आने वाला समय देखना कि लोगों में नाराज़गी है इस बात की, और किसी भी
परिवार की जब ये दशा हो जाती है तो जिस राजनीति को और जिस राजनीति के बल पे ये लोगों में जाते थे, आज वो लोग पीछे हट चुके हैं। और सही मायने में पूछो तो किसी भी डायनेस्टी का कभी ना कभी ये जहाँ सत्ता की भूख होगी वो डायनेस्टिक जो सोच है उसको लोग नकार देते हैं। आज नकारे गए हैं और इसीलिए ये हालत है कि आज तक चुनाव नहीं इनका उठ सका। यानी मैं हैरान हूँ, मुझे लगता है कि ये दिखता कि हार निश्चित है, इसलिए चुनाव की भी बारीकियों में ये नहीं जा रहे। तो ये कहना कि मैंने क्या किया है, मैंने ये किया है सबसे बड़ी बात कि मैंने अपने इलाके की एक पहचान बनवाई है हरियाणा की राजनीति में, देश की राजनीति में। और मेरे जो वहाँ उस क्षेत्र के लोग हैं वो इस बात से उनको बड़ी भारी संतुष्टि है कि हाँ हम उस जगह से ताल्लुक़ रखते हैं जहाँ से वीरेंद्र सिंह है। तो ये आपने कभी कभी अध्ययन करना, आप तो यूपी से हैं, चरण सिंह जी बिहार पटना से, पटना से हैं, चरण सिंह जी की 60 साल की राजनीति रही है और उन लोगों ने 60 साल तक निरंतर चरण सिंह जी का साथ दिया है, क्योंकि वो एक बड़े किसान नेता के रूप में उभर के आए थे। और जो जिन बातों को आप बोल रहे हैं और जो दुष्यंत बोल रहा है ये बातें कभी नहीं की उन्होंने, लेकिन उनकी वो कहते थे कि चरण सिंह जी हमारी शान है और हम वो हमारे लिए एक ऐसी जगह हमारी बना दी देश में जिसमें हम सीना चौड़ा करके चलते हैं। ये जो आए पहली सलाम तो सुन दिए और सवाल आपकी भूमि से दिलवाए। कुलदीप बिश्नोई जी से जब मेरी बात हो रही थी कह रहे थे कि चौधरी वीरेंद्र सिंह जी के पास एक ही है, हनक, गुरूर, घमंड। जैसे अपनी भाषा में बता रहे थे कि वो जो है ना गले में सरिया ऐसा है कि वो गला सर झुकता ही नहीं है कभी। ये सारा दुष्प्रचार था मेरे खिलाफ। और मैं तो ये कहता हूँ कि हाँ इतना ज़रूर है कि जो मुझसे इज्जत एक्सपेक्ट करेगा वो उसको देनी पड़ेगी। अगर मेरी कोई इज्जत नहीं करता तो मैं मेरे से ये अपेक्षा नहीं कर सकता कोई कि मैं उसकी इज्जत करूँ। मेरा सिद्धांत है ये, मैं अपने उसूलों पे चलता हूँ और मुझे इस बात का कि मैं गुरूर है या और है, गुरूर है इसलिए नहीं कि मैं एक मंत्री हूँ या मैं एमपी हूँ या एमएलए हूँ, गुरूर है इसलिए है कि मैं राजनीतिक जीवन में राजनीति की मान्यताओं को, राजनीति के मूल्यों को और प्रजातंत्र में जैसा एक राजनीतिक जीवन किसी का होना चाहिए मैंने उसको निभाया है, ये गुरूर है। और ये घमंड से ये बात करता हूँ कि हाँ मैंने इन मान्यताओं को निभाया, कोई इसमें मैं बुराई नहीं समझता। ये तीन कैंडिडेट हैं बीजेपी से, कांग्रेस से और जेजेपी से, और तीनों यूथ हैं, तीनों अपनी चौधर जो है या पारिवारिक विरासत जो है, फैमिली जो लेगेसी है उसको आगे बढ़ा रहे हैं। मैं तीनों से ये पूछ रहा हूँ, और हरियाणा में ये हिसार में ये चर्चा भी है, एक मसला भी बना हुआ है कि स्थानीय कौन है। मैंने सबसे पूछा तो सबने अपने अपने तरीके से जवाब दिया। दुष्यंत से भी मैंने पूछा, दुष्यंत कहते हैं कि बर्थ सर्टिफिकेट निकलवाइए तीनों का, और बर्थ सर्टिफिकेट में देखिए कि हिसार का कौन है। मैं अपना दे देता हूँ, मैं शर्मा हॉस्पिटल हिसार में पैदा हुआ हूँ, जो लोग मुझे कहते हैं कि मैं बाहर से आया हूँ। भव्य कहते हैं कि मेरी पूरी की पूरी फैमिली का जो एपिक सेंटर है भजन लाल जी से लेकर के अब तक वो हिसार ही रहा है, और आज नहीं, बिजेंद्र सिंह नौकरी से इस्तीफा तब दिए जब टिकट मिल गया, मैं पिछले 5 साल से अपने पिताजी के साथ पूरे इलाके में घूम रहा हूँ, लोगों से मिल रहा हूँ। तो एक ही कैंडिडेट हैं जो पैराशूट लैंडिंग हो गई और जो ऑल ऑफ अ सडन पहुँचे वो बिजेंद्र, और दोनों के अपने अपने तर्क हैं, इसको कैसे कहते हैं? देखिए
कहाँ कोई पैदा हुआ है, पैदा तो हॉस्पिटल में हो, वो मातृभूमि नहीं होती आपकी। आप किस धरती से जुड़े हुए हो वो है मातृभूमि। और मेरा गांव, मेरा आप पोस्टल एड्रेस, परमानेंट पोस्टल एड्रेस देख लीजिए, मेरी धर्मपत्नी का पोस्टल एड्रेस देख लीजिए, मेरे बेटे का पोस्टल एड्रेस देख लीजिए, विलेज एंड पोस्ट ऑफिस डूमरखा कलां डिस्ट्रिक्ट जींद लिखा मिलेगा आपको। और दूसरी बात ये कि जो हमारी लैंडेड प्रॉपर्टी है, ज़मीन है, वो उसी क्षेत्र में है लोकसभा के जहाँ से हम चुनाव लड़ रहे हैं, मेरा बेटा चुनाव लड़ रहा है। और किसी से आप पूछेंगे कि बृजेंद्र सिंह कहाँ का है तो सब ये कहेंगे डूमरखा का। कोई ये नहीं कहेगा कि दुष्यंत चौटाला कहाँ का है, उसने तो नाम के आगे चौटाला लिखा हुआ है। अब अंदाज़ा लगा लें चौटाला से ही होंगे, धरती पुत्र तो वहीं के हैं वो। ये सोच एमएलए के लिए हो सकता है, किसी हद तक मैं सही मान सकता हूँ कि एमएलए लोकल होना चाहिए, और एमपी हरियाणा का एमपी हो उसमें क्या, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन लोगों में एक भावना है कि वो जुड़ाव के नाते कहते हैं। अब जुड़ाव के नाते तो अब वैभव को, वैभव ही है ना नाम, कुलदीप विश्नोई के पुत्र का क्या नाम, भव्य विश्नोई, भव्य, हाँ भव्य जो करे 5 साल मैंने किया, वो इसीलिए किया ना कि कुलदीप तो आए नहीं 5 साल। अब वो नहीं आएंगे तो वो फिलिंग दी ब्लैंक्स होता है, उसमें उसने काम किया होगा, अच्छी बात है, और आगे भी करेगा तो उसको फायदा होगा। ये कुलदीप विश्नोई कह रहे थे जब मैं उनसे बात कर रहा था, बोले कि आप कैंडिडेट, तीनों कैंडिडेट को खड़ा कर दीजिए और तीनों से एक एक हलके पे, हर हलके में उनसे कहिए कि ये हलका नंबर 1 है, मान लीजिए आदमपुर है या जो भी पड़ता है, या हिसार ही है, या मान लीजिए उचाना है, उखलाना है, ये तीनों कैंडिडेट को खड़ा कीजिए, विजेंद्र को भी रखिए, और कोई हलके में 20 गांव पूछ लीजिए कि 20 गांव का नाम बता दो। देखिए ये सवाल, ये भी बचकाना सवाल है। फिर मैं वही बात कहता हूँ कि मेंबर पार्लियामेंट के कार्य क्षेत्र को, उसकी गरिमा को, उसके व्यापकता को समझने की कोशिश करनी चाहिए जो लोग इस तरह की बात करते हैं। मैं ये कहता हूँ कि राहुल गांधी जी चुनाव लड़ रहे हैं केरला से, वो तो उनके बड़े नेता हैं। कुलदीप बिश्नोई ये सवाल उनसे पूछें कि आप केरला में 20 गांव का नाम बताएं जहां से आप चुनाव लड़ रहे हैं, ये छोटी बातें हैं, बचकानी बातें हैं। और फिर मैं ये कहता हूं कि तीनों को खड़ा करके ये पूछें कि अगर चुनावी राजनीति में आपने अपनी पार्लियामेंट को समझा है तो यहाँ की मूलभूत समस्याएं बताओ और उनका हल बताओ, फिर तो हम कहेंगे कि हाँ ये सवाल, ये टॉपिक आप करो, अपने प्लेटफॉर्म पे बुलाओ तीनों को कि समस्या क्या है और उसका निदान कैसे हो और समस्याओं के प्रति कितनी जागरूकता है कैंडिडेट्स में। दैट इज मोर इम्पोर्टेंट ए क्वेश्चन विच इज टू बी आस्क्ड फ्रॉम द डिफरेंट कैंडिडेट्स। No, ये नहीं है कि गांव कितने गांव, फिर मैं गांव में मैं कह दूं कि अच्छा मेरे गांव में कितने मोहल्ले हैं बता दो, क्या बात है, फजूल की बातें। चलिए तो ये बातचीत का दौर जारी रहेगा और मेरी कोशिश ये है कि वो तमाम सवाल जो विरोधी उठा रहे हैं वो मैं लगा दूं, थर्मामीटर है हर सवाल में, जवाब आप सुन रहे हैं, गर्मी और टेम्परेचर आप नोट कीजिए। चलिए तो ये हम थर्मामीटर लगा रहे थे और लगाया हुआ था चौधरी बीरेंद्र सिंह,
और टेम्परेचर आपने नोट किया होगा, और चौधरी बीरेंद्र सिंह मूल तौर पे जो अपने भाषणों में जिक्र कर रहे हैं वो मोदी का जिक्र कर रहे हैं, और मजाक मजाक में ये कहते भी हैं कि किसको वोट दोगे, मेरा छोरा खड़ा है चुनाव में, तो सामने वाला कहता है मोदी ने देंगे, यानी कि कुल मिला के ये मोदी का जलवा है और मोदी के ही नाम पर यहाँ पर वोट मांग रहे हैं। थर्मामीटर लगाया है हमने, वो तमाम सवाल जो उठ रहे हैं वो तमाम सवाल पूछा है, टेम्परेचर आपने नोट कर लिया होगा, कुल मिलाकर के देखते चलिए, और 12 तारीख को मतदान ज़रूर कीजिएगा, 23 तारीख को पता चलेगा कि दिल्ली की कुर्सी पर कौन बैठता है, और बाद बाकी चुनाव है, और चुनाव का मतलब ही है जनता टीवी, और ये गांव जीवनपुर है, 23 तारीख को देखेंगे कि किसके किसकी पार्टी को जीवन मिलता है। बहुत बहुत जीवनपुर है ना, 23 तारीख को पता चलेगा कि जीवन किसको मिला, देखते रहिए, चुनाव है। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए दबाना न भूलें बेल आइकन और सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल।